हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएससी मोटरसाइकिल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम होंडा लिबो का जो कार्बोरेटर है वो हम क्लीन करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कार्बोरेटर का हालत कैसा है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन सा टूल लगेगा, उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। तो चलिए आइए कार्बोरेटर को करते हैं क्लीन। ये देखिए, ये होंडा लिबो का कार्बोरेटर है। इसका हालत देखिए कैसे पूरी तरीके से मिट्टी विट्टी सब कुछ जम के भरा हुआ है, तो हम इसको साफ करेंगे। तो आइए पहले हम इसके जो टूल्स लगेंगे वो हम निकालते हैं, उसके बाद इसको साफ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टूल की तरफ। ये देखिए, ये हमारा टूल सेट है। तो इसमें हमें जो जो टूल्स लगेंगे वो हम ले लेंगे। पहले हमें चाहिए एक 4-हेड स्क्रू ड्राइवर। ये 4-हेड वाला स्क्रू ड्राइवर है, हमने इसको ले लिया। उसके बाद एक 2-हेड वाला स्क्रू ड्राइवर भी लगेगा, ये हमने ले लिया 2-हेड वाला। एक 6-7 नंबर का रिंग रेंच लगेगा, ये हमने रिंग रेंच ले लिया हाथ में। और हमें क्या चाहिए, और चाहिए ब्रश, तो हम ब्रश को लेते हैं। टूल के साथ हमारा लगेगा 2 ब्रश। ये 2 ब्रश हमारे पास आ गया। एक खाली सा कटोरा चाहिए हमको, ये आ गया कटोरा। अब इसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी फ्यूल। ये हमारा फ्यूल का डिब्बा आ गया, ये फ्यूल का डिब्बा है। थोड़ा इसमें जितना फ्यूल है इसमें काम चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ में हमें और 2 चीज़ लगेगा। एक है ये छोटा वाला डिब्बा, इसमें से हम फ्यूल को स्प्रे करेंगे। और चाहिए हमें एयर गन, जिसकी मदद से हम इसको एयर दे पाएंगे। तो एयर गन को हम लेके आते हैं। ये हमारा जो एयर गन है वो अभी आ गया हमारे पास। इसमें हम थोड़ा सा फ्यूल डालेंगे। ये हमने डाल लिया। अब इसके बाद कार्बोरेटर का पूरा भिगोएंगे। देख सकते हैं हमने कार्बोरेटर का पूरा भिगो दिया। अब इसके बाद ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। ये देखिए साफ हो रहा है धीरे धीरे। पेट्रोल की जरूरत हो, थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया इसके। ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। जितना हो सके उतना सा हम क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से। देख सकते पहले कितना गंदा था, कितना साफ हो रहा है। देखिए कितना अच्छे से साफ हो रहा है। जितना हो सके बारीकी से उतनी अच्छी से साफ करना होता है। तो चलिए इतना ये हुआ, यहाँ पर थोड़ा रह गया, इसको भी हम साफ करते हैं। अब इसको खोलने का बारी है, थोड़ा इसको साइड में रखते हुए 4-8 की मदद से ये वाला जो स्क्रू है और ये वाला जो स्क्रू है हम दोनों को निकाल लेंगे। एक तो खोल गया, ये दूसरा वाला खोल गया, पूरा का पूरा खोलेंगे। ये एक निकल गया हमारा,
ये वाला स्क्रू भी खुल गया, ये दिक्कत नहीं दिया हमें, ये भी खुल गया। अब इसको खोलते हैं, देखिए पूरा का पूरा सूखा हुआ है, हालत कैसा है इसका। अब ये वाला पिन निकल के रखते हैं, फ्लोट को उठाते हैं, ये वाला फ्लोट पिन है, देख सकते हैं ये वाला फ्लोट पिन है, देखिए ये फ्लोट पिन। अब ये 7 नंबर की रिंग रेंज से इसे खोलेंगे, ये खोल गया, हाथ से खोल लेंगे इसको, ये खोल गया। अब 2-8 की मदद से इसे हम खोलेंगे स्लो जेट। हमारा खोल गया, कोई परेशानी नहीं दिया, ये खोल गया, ये खोल गया हमारा स्लो जेट। स्लो जेट के हालात देखो, इसमें क्या लगा हुआ है व्हाइट कलर सा, जाबो रेंज को करते साइड, ट्रक लेके आते पास में। अब इसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं, अब इसको बाहर की और थोड़ा पेट्रोल देते हैं, इसको और भी साफ करना पड़ेगा, अभी तक पूरी अच्छी तरीके से साफ नहीं हुआ है। ये करते फिर से साफ इसको, साफ हो गया ये वाला ऊपर की साइड, साफ हो गया नीचे की तरफ। जितनी अच्छे से हो सके उतने अच्छे से हम इसको साफ करके छोड़ेंगे। देखिए कितना अच्छे से साफ हो गया। अब अंदर की साइड साफ करते हैं।
देखिए कितना बढ़ गया है, अच्छी तरह से साफ हो गया। इसको साइड में रखते हैं, इससे थोड़ा सा भी और पेट्रोल डालते हैं, डाल दिए। इसके बाद ये स्लो जेट को सब करते हैं। ये जो काम होगा पूरा का पूरा पेट्रोल से ही होगा, अदर्स किसी से नहीं होगा, कोई भी ऑयल से नहीं होगा, सिर्फ पेट्रोल से ही करना पड़ेगा। इसे करना पड़ेगा या करना चाहिए इसको। देखिए मेन जेट का कलर चेंज हो गया, पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, खोला नहीं किसी ने, पूरा का पूरा ब्लैक से हो गया। छोड़ेगा देखते हैं छोड़ता है कि नहीं, छोड़ता है तो ठीक है, नहीं छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब करके लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें से इतना दिक्कत नहीं आता है। ठीक है ये भी हो गया हमारा, जितना हो सके हमने कर दिया इसको। सिर्फ को पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो होल रहता है ना इधर से और इधर से, ये होल को पूरा का पूरा साफ होना चाहिए, इधर से उधर तक दिखना चाहिए। इसमें भी थोड़ा होल है छोटा वाला, ये वाला, ये वाला, इधर से उधर तक दिखना चाहिए इस होल को। अगर नहीं दिखेगा तो अच्छे से काम नहीं होगा, गाड़ी बंद पड़ सकती है, स्टार्ट भी नहीं होगा, इसे ख्याल रखना होगा आपको। इसे कहते हैं फ्लोट, इसको हम करते हैं क्लीन अच्छे तरीके से, प्यार से करते हैं क्लीन। ये हुआ हमारा क्लीन, इसको साइड में रखते हैं। ये है फ्लोट का पिन, इसको भी हम पेट्रोल से थोड़ा वॉश करते हैं। ये देखिए पूरा चमक रहा है ना, अब इसे कहते हैं फ्लोट पिन। इसे भी हमने सब कर दिया। ऐसे आप क्या बाड़ी है, स्कूटर को हम साइड में रखते हैं, सभी को हटाते हैं यहाँ से। आप बाड़ी है सभी को एयर से साफ करने का। ये हमारा एयर गन है, इसे पकड़ के इधर से दोनों साइड से प्रेशर देना होता है। ये हो गया, इसके बाद मेन जेट को एक ही तरीके से देखिए, ये हो गया। अब इसके बॉडी को इधर से देखिए कितना चमक रहा है। ठीक है अब चलिए इसको फिट करते हैं। पहला आएगा स्लो जेट, स्लो जेट को हमने लगा दिया। अब इसको टाइट करना है, कैसे टाइट करेंगे, टू हेड की मदद से इसको टाइट करेंगे। ये टू हेड स्क्रू ड्राइवर हमारा आ गया, अब देखिए इसको ये टाइट हो रहा है। ये देखिए अब ये टाइट हो गया। अब मेन जेट को देखिए, इसमें लग गया स्लो जेट, इसमें लगेगा मेन जेट। इसमें मेन जेट को हम डालते हैं, ये मेन जेट हमने डाल दिया, हाथ से थोड़ा सा टाइट करेंगे, ये टाइट हो गया। अब 7 नंबर रिंग रेंच से हमें इसको टाइट करना होगा।
ये देखिए 7 नंबर रिंग रेंज से हम इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया। अब फ्लोट को फ्लोट पिन को कैसे लगाना है वही हम देखेंगे। पहले फ्लोट को एक हाथ में पकड़िए, उसके बाद फ्लोट की जो पिन है इस पिन को इधर से फंसाइए। देखिए ये ऐसे फंस गया, ठीक है, अपने ही गिरेगा। इसके बाद इसको सीधा करिए, कोई कचरा अंदर जा ना पाए। ये इसको, ये जो होल है ना, इसके अंदर ये फ्लोट का पिन जाएगा। गिर गया। ये चला गया। अब ये फ्लोट पिन को इधर से लेते हुए उधर तक लेके जाना है। ये देखिए इधर से लेते हुए ये आ गया, ठीक है। अब इसके ढक्कन को ये देखिए, इधर पे दो मार्किंग हुआ है, ये वाला भी दो, एक होल है और एक जो एक होल है और एक जो ओरिंग है वो है। देखिए इसे मिला के ऐसे बिठाएंगे। अब इधर एक 4/8 स्क्रू, इधर एक 4/8 स्क्रू, इसको टाइट करते हैं। ये एक हो गया टाइट, दूसरा वाला भी ऐसे टाइट करना है। ये हो गया टाइट। देखिए पहले कैसा था अब कैसा दिख रहा है, पूरा का पूरा फेस चमक रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता देना।